गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले मैंने आपको फाइव क्लासेस दी हैं बिजनेस स्टडीज की डायरेक्शन में। इससे पहले का जो टॉपिक था वो था सुपरविजन। आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मोटिवेशन। तो इस पर जरा समझिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, मोटिवेशन जो शब्द है वो मोटिव से आया है। कहाँ से आया है? मोटिव से। मोटिव का मतलब होता है आवश्यकता है। तो मोटिव क्या होता है? इंसान के अंदर की जो नेसेसिटी होती है, इंसान के अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी टेंडेंसी होती है, उसी को मोटिव कहते हैं। यानी आपके अंदर जो चीज चल रही है, आपके अंदर जो आवश्यकताएं आप महसूस करते हो, जो आप अपना क्या बोलते हैं, आपकी टेंडेंसी है सोचने की, या आप जो पाना चाहते हो, उसको कहते हैं मोटिव। मोटिव का सिंपल मीनिंग है नेसेसिटी, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आवश्यकताएं, ठीक है, ओके। तो जब इंसान के अंदर आवश्यकताएं जन्म लेती हैं, जब एक पर्सन के अंदर ये मोटिव जन्म लेता है, तो वो क्या करता है, उसके अंदर एक स्ट्रेस पैदा होता है। वो स्ट्रेस उसको कुछ ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए मजबूर करता है। यानी इस मोटिव से ही इंसान के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को सेट करने की इच्छा पैदा होती है। वो एक ऑब्जेक्ट सेट करता है और इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है, ठीक है। यानी मोटिव को हम कह क्या सकते हैं, मोटिवेशन मोटिव शब्द से निकला है। मोटिव का अंतर है कि आपके अंदर की जो इच्छाएं होती हैं, आपके अंदर की जो आवश्यकताएं होती हैं, वो आपको एक गोल को सेट करने में, एक गोल को सेट करने के लिए आपको उकसाती है, ठीक है। आप एक गोल सेट कीजिए, आप अपना एक गोल सेट करते हैं उन आवश्यकताओं की वजह से, और फिर उसको अचीव करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगा देते हैं, इसी को कहते हैं मोटिव, ओके। तो देखिए, जो मोटिव है वो किसी ह्यूमन के बिहेवियर को डिटरमाइन करती है कि एक ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। जैसे सपोज आपके अंदर बहुत इच्छा है कि बोर्ड एग्जाम में मैं टॉप कर जाऊं, आपके अंदर बहुत इच्छा है कि मेरा कॉमर्स में, बिजनेस स्टडीज में, इस स्टेट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, तो ये मोटिव है। ये मोटिव आपके अंदर एक स्ट्रेस पैदा करता है। इस स्ट्रेस से आप अपना गोल डिटरमाइन करते हो कि मुझे वो चीज पाना है, उसके बाद आप अपना काम करते हो, ठीक है। अब पाओगे कि नहीं वो तो वक्त बताएगा, और यकीन मानिए आपका मेहनत अच्छा होगा तो अवश्य आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि मोटिव कैसे काम करता है। देखिए, जैसे जैसे कि मोटिव, ये मोटिव होता है, मोटिव आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करता है, स्ट्रेस की वजह से आप ऑब्जेक्ट और गोल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट और गोल डिटरमाइन होने के बाद आप अपना बिहेवियर कैसा होगा उसका सिलेक्शन करते हो कि आउटर लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। अच्छा, इस बिहेवियर के द्वारा आप अपने गोल अटेनमेंट की कोशिश करते हो। जब आपका गोल अटेनमेंट होता है तो आपकी नीड्स जो है, आपकी आवश्यकता वो फुलफिल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। जब आपकी आवश्यकताएं कंप्लीट हो जाती है तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और फिर आप एक नई आवश्यकताओं की ओर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा, वो देखिए पूरा ये डायग्राम कि सबसे पहले आपके अंदर एक मोटिव, एक इच्छा प्रकट होगी, एक आवश्यकता आपको महसूस होगी, आप वो आवश्यकता आपको स्ट्रेस देगी, ठीक है। उस स्ट्रेस से आप ऑब्जेक्ट या गोल डिटरमाइन करोगे, गोल आपके बिहेवियर को, आपका बिहेवियर कैसा होगा उसका सिलेक्शन करेगा, उसके बाद आप गोल अचीव करने का प्रयास करोगे। जब आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, और जब आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आपका ये मोटिव कंप्लीट हो गया, आप दूसरे मोटिव की ओर ध्यान दोगे, ठीक है। यानी इंसान जब भी कुछ करना चाहता है,
जब भी उसको कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उस आवश्यकता को कंप्लीट करने के लिए वो अपना गोल डिटरमाइन करता है, उस गोल के अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर करता है और फिर उस गोल को पाने के बाद वो दूसरे गोल पे ध्यान देता है। जैसे सपोज मेरी आवश्यकता इन केस है पैसा कमाना, तो मैं अब उन चीजों को जानूंगा कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। आपकी आवश्यकता इस समय है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना, तो आप कहते हैं कि स्ट्रेस पैदा होगा कि कैसे हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, कैसे हम अच्छे मार्क्स देखें। ओके, तो एक एग्जाम्पल मैं देता हूं। सपोज एक एम्प्लॉय है जो चाहता है कि उसका प्रमोशन ऊंचे पद पे हो जाए, हाई पोस्ट हो जाए, तो उसको यह आवश्यकता इतना ज्यादा उसके अंदर क्या बोलते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी ये आवश्यकता, ये जो मोटिव है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको उसको पाने के लिए अपना गोल सेट कर देता है, अपना ऑब्जेक्ट सेट कर देता है। तो उसके पास दो तरीके हैं इस गोल को पाने के लिए। पहला तो बहुत मेहनत करे, हार्डवर्क करे और संस्था में क्या बोलते हैं हाईलाइट हो जाए कि ये बहुत ही मेहनती है, बहुत ही अच्छा है, उसके ऑफिसर्स उससे खुश हो जाए। सेकेंड चीज है कि वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाए, जैसे MBA या कोई ऐसा कोर्स जिससे वो प्रमोट हो जाए। तो इन दोनों में से वो जो भी कोई दो रास्ता अपना सकता है और खुद को प्रमोट कर सकता है। जब उसका प्रमोशन का ये इच्छा पूरा हो जाएगा, जब उसके प्रमोशन की ये जो विल है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर वो अगले ऑब्जेक्ट के तरफ, अगले विल के तरफ अपना ध्यान लगाएगा। ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक एक शक्ति है, एक पावर है। मोटिवेशन एक पावर है जो किसी पर्सन को काम करने के लिए और डिजायर गोल प्राप्त करने के लिए क्या करती है, उसको प्रोत्साहित करती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करती है। यानी मोटिवेशन एक एक तरह की शक्ति है जो किसी पर्सन को उसका डिजायर गोल या उसके ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट को पाने के लिए उसको आप कह सकते हैं कि अपीचमेंट उसका करती है, या जो भी आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ाती है, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन ना केवल ऑब्जेक्ट सेट कराती है बल्कि उसको कॉन्टिन्यूअस करती है, उसको क्रियाशील रखती है, उसको वर्क में रखती है। उसके बाद देखिए, मोटिवेशन से ही जो मैनेजर्स हैं वो अपने एम्प्लॉय को संस्था के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन ही वो माध्यम है, मोटिवेशन ही वो मीडियम है जिसके थ्रू कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉय को संस्था के लिए काम करने के लिए तैयार करता है, या संस्था के लिए काम करते हैं तो उसको क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। यही एक मीडियम है। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी पावर है, एक ऐसी प्रेरक शक्ति है, ठीक है, एक ऐसा पावर है जो किसी व्यक्ति को काम करने के लिए और डिजायर गोल को प्राप्त करने के लिए तैयार करती है और उनको लगातार क्रियाशील भी बनाती है, उनको वर्किंग भी बनाती है, ठीक है। मोटिवेशन के माध्यम से ही, मोटिवेशन के द्वारा ही एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को संस्था के लिए अपना 100% 100% देने के लिए तैयार करता है। यानी मोटिवेशन के थ्रू ही एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को अच्छे से काम करने के लिए मोटिवेट कर पाता है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो आइए अब हम कुछ शब्द देखेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ शब्द आएंगे, जैसे 1, 2, 3 मैंने लाइन से लिखा है। पहला है मोटिव, दूसरा है मोटिवेशन, तीसरा है मोटिवेट, ठीक है। तो मोटिव क्या होता है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। देखो, यह एक इंटरनल विल है, ये एक इंटरनल विल है, इच्छा है जो एक व्यक्ति को लक्ष्य को अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए
क्या करती है, इंड्यूस करती है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आप कह सकते हो इंड्यूस करती है, प्रेरणा देती है, ठीक है, शक्ति देती है। इसी मोटिव से क्या पैदा होता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस से ही ऑब्जेक्ट और गोल का डिटर्मिनेशन होता है और वही किसी पर्सन के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है, ठीक है। यह किसी पर्सन में स्ट्रेस का रीजन बनता है क्योंकि वास्तव में पर्सन अपने गोल को अचीव करना चाहता है, ठीक है। जैसे कमाने, अगर कोई व्यक्ति कमाना चाहता है, कोई व्यक्ति अर्न करना चाहता है, तो क्या करेगा, जॉब खोजेगा, ठीक है। आप अच्छा मार्क्स पाना चाहते हो, आप क्या करोगे, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, ठीक है। आगे देखिए मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, देखिए आप अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, आप अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, जैसे मोटिवेशन क्या होता है, तो मोटिव हो गया जो हमारे अंदर इंटरनल पैदा होती है। मोटिवेशन क्या होता है, ये दूसरों में पैदा की जाती है। अपने ऑब्जेक्ट को हम प्राप्त करने के लिए अपने एम्प्लॉय में मोटिवेशन पैदा करते हैं कि आप बेस्ट बनो, आप सबसे अच्छे बनो और ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंप्लीट दो, 100% दो, बेस्ट दो, ठीक है। तो जब हम अपने एम्प्लॉय में ये मोटिवेशन पैदा करते हैं तो एम्प्लॉय नई नई चीजें सीखता है, नया नया कोशिश करता है, नए आइडियाज लाता है, ठीक है। तो मोटिव हमारे अंदर पैदा होती है और मोटिवेशन हम पैदा करते हैं, ओके, बात समझ में आ गई। उसके बाद अभी प्रेरक यानी मोटिवेटर, वो सभी टेक्निक्स, वो सभी काम, ठीक है, वो सभी तकनीक, वो सभी काम, वो सभी इंड्यूसमेंट जो भी आप कर सकते हैं, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए यूज की जाती है, उसको क्या करते हैं, मोटिवेटर करते हैं। यानी वो सभी तकनीक, वो सभी टेक्निक जो एक मैनेजर अपनाता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेटर बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, जैसे कुंच ओडोनेल। कुंच ओडोनेल कहते हैं कि टू मोटिवेट इज टू इंड्यूस पीपल टू एक्ट इन अ डिजायर मैनर। मोटिवेट करने का मतलब है कि लोगों को एक डिजायर मैनर, मतलब जैसे आप काम कराना चाहते हैं उस तरीके से काम करने के लिए इंड्यूस करना, प्रेरित करना, ठीक है। मोटिवेशन का मतलब है कि जैसा आप काम कराना चाहते हैं, अपने डिजायर से जैसा काम कराना चाहते हैं, वैसा काम करने के लिए अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस करना, ये कुंच ओडोनेल। उसके बाद ई मैकफॉरलैंड, हाँ ई मैकफॉरलैंड बोलते हैं, मोटिवेशन रिफर्स टू द वे इन विच अर्थ्स डिवाइसेस डिजायर्स एस्पिरेशन स्ट्रीम्स और नीड डायरेक्ट कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अभिप्रेरणा उस रीति को निर्दिष्ट करती है जिससे संवेगों, उद्वेगों, इच्छाओं, आकांक्षाओं, प्रयासों या आवश्यकताओं की मानवीय आचरण के निर्देशन, नियंत्रण एवं स्पष्टीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन वो होता है जो इन पर्सन के इंटरनल नेसेसिटी, जितना कुछ लिखा है आप उसको इंटरनल नेसेसिटी मान सकते हैं, जो पर्सन की इंटरनल विल है, जो इंटरनल नेसेसिटी है, जो उसमें स्ट्रेस पैदा कर सके उस चीज को संस्था के गोल को पाने के लिए पैदा करना, उस चीज को संस्था के गोल को पाने के लिए मोड़ देना, उसको बोलते हैं आपका मोटिवेशन। यानी इंसान के अंदर जो भी आकांक्षाएं, जो भी उसके अंदर इच्छाएं पैदा होती हैं, जो भी उसकी इंटरनल फीलिंग्स है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में यूज करना ही मोटिवेशन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वो सभी प्रोसेस, वो सभी काम जो संगठन में, जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे एम्प्लॉयज को संस्था के काम को करने के लिए इंड्यूस करता है, वो मोटिवेशन होता है, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूं, वो सभी प्रोसेस, वो सभी फंक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पे
एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इंड्यूस करता है, वो मोटिवेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इनकेस ना आया हो तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ।